चुनाव कार्यालय पर लोकसभा चुनाव महिला मोर्चा प्रभारी क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक ने समस्त महिला मोर्चा की बहनों के साथ चल रहे कार्यक्रमों की एक विशेष बैठक ली, जिसमें उन्होंने ग्राम चौपाल बूथों पर संपर्क लाभार्थियों के साथ संवाद के विषय पर बताया। महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव सहारनपुर सीट को जिताकर भारी मतों से केंद्र में पहुंचने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया है, महिलाओं को आगे बढ़ने का कार्य किया है, आवास योजना के तहत करोड़ों बहनों को छत दी है, आयुष्मान कार्ड के तहत एक सेवा के रूप में लोगों की सेवा का कार्य किया है। आज बहनें चांद पर पहुंच रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, उद्योग कर रही हैं। समूह की तौर पर बहनें बैंक सखी ड्रोन दीदी और अन्य कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने हम बहनों को मजबूत बनाने का संकल्प ले लिया है। इस वर्ष आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल तथा आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम संयुक्त रूप से आशा मॉडर्न स्कूल मुख्य शाखा चंद्रनगर के प्रांगण में घोषित किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासिका श्रीमती चंदना जैन ने छात्रों की सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IPS अभिमन्यु मांगलिक SPCT सहारनपुर रहे। मैनेजर सुश्री आशा जैन व आशा मॉडर्न जूनियर स्कूल के निदेशक शैल कुमार जैन की उपस्थिति विशेष रही। विशिष्ट अतिथि विवेक विक्रम जैन, शुभायन विक्रम जैन, दिव्य जैन व भव्य जैन ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गणमान्य अतिथियों का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात नमोकार मंत्र व सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात बच्चों को रिजल्ट वितरित किया गया। पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में परीक्षा परिणाम वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रख्यात ज्योतिषाचार्य एवं धर्मगुरु पंडित प्रज्ञीत कौशिक जी कौशिक समेत अन्य अतिथियों ने बच्चों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय में शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए दिव्याक्षी प्रजापति तथा श्रुति सैनी को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिलोकचंद गुप्ता व संचालन अरविंद शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य चंद्रकिशोर सिंह, विद्यालय के अध्यक्ष विनोद माहेश्वरी, प्रबंधक राजेश जैन, मंत्री शिव कुमार गर्ग सहित भारी संख्या में अभिभावकगण मौजूद रहे। 30/3/2024 को स्टार पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया। इस परीक्षा में 974 भैया बहन बैठे थे, जिसमें से 928 भैया बहन उत्तीर्ण हुए और 9th के 22 भैया बहनों की और 11th के 22 भैया बहनों की सप्लीमेंट्री है और कुल प्रतिशत जो परिणाम है 95.3% है। 178 विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए, 276 फर्स्ट डिवीज़न, 359 सेकंड डिवीज़न और 115 स्टूडेंट थर्ड डिवीज़न उत्तीर्ण हुए। अपने विद्यालय का जो वार्षिक परीक्षा फल है सराहनीय रहा और मैं सभी भैया बहनों के इस अवसर पर उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। पुलिस लाइन पहुंची महिला ने ससुरालियों पर लगाया बेटा पैदा ना होने पर उत्पीड़न करने का आरोप दी जानकारी। आपको बता दें, रामपुर मनिहारा निवासी मीनाक्षी पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची। पीड़िता का आरोप था कि उसकी दो बेटियां हैं और बेटा ना पैदा होने के चलते ससुराल पक्ष द्वारा लगातार उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने जानकारी भी दी। मीनाक्षी, रामपुर मनिहारन, मामला यह है कि सर
मेरी शादी को 10 साल हो चुके। 10 साल होने के बाद जब मेरी बड़ी बेटी हुई रक्षिता, उसके बाद से 3 महीने की थी मेरी गुड़िया, नमूनिया में थी, बीमार थी, मुझे घर छोड़ा है कि हम खर्चा नहीं उठाएंगे, हम नहीं वो करेंगे, बेटा होता हम करते भी, हम नहीं कुछ करेंगे। फिर मुझे घर छोड़ा है, घर छोड़ के आने के बाद मेरा इलाज कराया मेरे घर वालों ने। उसके बाद मतलब काफी पंचायतें हुई, हर साल पंचायतें, मारपीट जब यही होती थी हर साल मुझे भेज देते थे। अब मुझे ले आए घर पे, घर लाने के बाद हम बड़ी छोटी बेटी हुई 5 साल बाद, जब से छोटी बेटी हुई तब से तो इतना मेरा जीवन नर्क बना दिया। मुझे नहीं पता था मेरा पति ऐसे निकलेंगे, मुझे धोखा देंगे, मेरे साथ ये सब करेंगे, मेरे सब सीधा सीधा तलाक मांगते हैं कि मुझे तलाक दे और निकल यहाँ से। दूसरी लड़की है पूजा खेरवाल, उसका संबंध है उनके, क्या नाम, उसके बाद सर वो लड़की भी मानने को तैयार नहीं है। मैंने उसको बहुत समझा लिया कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने लेके कहाँ जाऊंगी, तू पीछे हट जा, वो मानने को तैयार नहीं है। उस सर मैंने यहाँ पे महिला थाना, SPCT, DIG, मैंने हर जगह, लखनऊ तक मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है, पर कोई भी कार्यवाही कहीं से नहीं हो रही है सर। वैसे तो सरकार बीजेपी वैसे तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटी कहाँ बच रही है, बेटी तो फंस रही है, ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं बेटी के कारण सर। फिर दूसरी लड़की है वो सरकारी नौकरी पे है, सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, CMO ऑफिस, नितिन कुमार शर्मा CMO ऑफिस में है, मुजफ्फरनगर DEO उसमें है वो, और सोर्सिंग पे लगे हुए हैं। वो लड़की है ESIC जो ये हॉस्पिटल होते हैं इनका कर्मचारी है, वो अधिकारी पोस्ट पे है। मेरे हस्बैंड रामपुर मनिहारन सहारनपुर में, हम यहाँ पे रहते हैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। मैं तो न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय मिले, उस लड़की को उसके पद से हटाया जाए सर। वो अपनी नौकरी का झांसा दे रही है, मेरा ससुराल पक्ष भी, वो क्या नाम है, मेरे हस्बैंड भी उसकी नौकरी के ऊपर है कि हमारे घर में सरकारी नौकरी वाली आएगी, तू तो बेकार है, तेरे पास क्या है, बेटियां हैं, वो बेटा भी देगी। उस लड़की को उसके पद से हटाया जाए सर, उसने मेरा जीवन नरक बना कर रख दिया है। कानून ऐसे आ गया है तो बाली गए तो शरीर चढ़ना है कि उनको लाइसेंस मिल गया कि किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। कलेक्ट्रेट में लोकसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी के अंतिम दिन 2 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र लिए गए वापस। आपको बता दें लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर सहारनपुर लोकसभा सीट पर नोटा सहित 11 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि नाम वापसी के अंतिम दिन 2 उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र वापस लिए गए हैं। इस प्रकार EVM मशीन में सहारनपुर लोकसभा सीट से 11 स्थान रहेंगे जिस पर लोग अपना बटन दबाएंगे। ये नाम वापसी का समय 3 बजे तक था, 3 बजे तक 2 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए हैं। इस प्रकार अब नोटा को इंक्लूड करते हुए हमारे 11 अभ्यर्थी, 10 अभ्यर्थी और 1 नोटा, चुनाव को लेकर संपूर्ण तैयारियां लगातार जो फेज वाइज है चरणबद्ध तरीके से चल रही है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। लगातार आपके द्वारा अपील की जा रही है, जो जिला बदर किए गए हैं उसमें हमने अपने आदेश में उस बात को स्पष्ट किया है कि वह 48 घंटे के लिए उस आदेश में व्यवस्था दी गई है कि वह अपना वोट डालकर पुनः जिला बदर रहे। नगर निगम ने इस साल गत वर्ष से 10 करोड़ ज्यादा टैक्स वसूला। टैक्स जमा कराने के लिए रविवार को भी खुलेगा निगम का टैक्स कार्यालय। आपको बता दें नगर निगम ने करदाताओं को 12% ब्याज से बचाने के लिए रविवार को भी टैक्स ऑफिस खोलने का निर्णय लिया है। सुबह 10 बजे से करदाता निगम पहुंचकर कैश काउंटर पर अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 का कल अंतिम दिन है। नगर निगम ने गत वर्ष की अपेक्षा चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपया अधिक कर अर्जित किया है। अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने बकायेदार लोगों के अलावा सरकारी विभागों से भी अपील की है, वे 31 मार्च तक निगम ऑफिस पहुंचकर या ऑनलाइन बकाया टैक्स जमा करा दे ताकि 1 अप्रैल 24 से बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर रविवार को भी सुबह 10 बजे से टैक्स ऑफिस खोला जाएगा ताकि टैक्स जमा कराने वाले बकायेदार अपना बकाया जमा करा सके। उन्होंने बताया कि जिन बकायेदारों की और टैक्स बाकी रह जाएगा उनके बकाया टैक्स पर 1 अप्रैल 24 से 12% ब्याज लगाया जाएगा।
खाताखेड़ी में दो पक्षों में हुई कहासुनी के बाद चले लाठी डंडे, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी में दो पक्षों में हुई कहासुनी के बाद लाठी डंडे चल गए। मामूली कहासुनी को लेकर हुए विवाद में लाठी डंडे चलने के बाद कई लोग घायल हो गए। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। गिल कॉलोनी निकट मानस स्टडीज केंद्र का नगर विधायक ने किया उद्घाटन, कार्यक्रम हुआ आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, मानस स्टडीज केंद्र का नगर विधायक राजीव गुम्बर ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना होने से सहारनपुर और उसके आसपास के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अब सभी छात्र छात्राएं सहारनपुर क्षेत्र में रहकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसको लेकर नगर विधायक राजीव गुम्बर ने संबंधित जानकारी भी दी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मानस स्टडीज़ के डायरेक्टर आदरणीय सहगल जी को और इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने सहारनपुर के छात्र एवं छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक यहाँ पर ये आज इंस्टीट्यूट का और इनोग्रेशन करवाया है। निश्चित रूप से इंस्टीट्यूट जो एक अपनी अलग पहचान रखता है, जिसके माध्यम से अभी विभिन्न शहरों के अंदर हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हजारों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की शिक्षा पर यहाँ प्राप्त करके उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग उन्हें मिलती है, एक अच्छी गाइडेंस मिलती है। इसी प्रकार से सहारनपुर के बच्चों को भी एक अच्छी गाइडेंस के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट सहारनपुर में खोल। दिल्ली रोड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा किया गया बैठक का आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली पहुंचे। इस दौरान कुंवर बासित अली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को अनेकों योजनाओं का लाभ दे रही है। बैठक में समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी दी। आज जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हमारे बूथ है जो कथित नहीं है, ये जिन बूथों पर हम आ रहे हैं, आज उन बूथों की चिंता करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक रखी हुई है। और खासतौर से जो जिन बूथों पर फर्जी मतदान होता है और बुरके के कारण मतदान होता है, ऐसे बूथों पर हमारी मुस्लिम बहनें पोलिंग एजेंट बूथ अध्यक्ष की मीटिंग में शामिल होकर के वो फर्जी मतदान को रोकें और जो जिसका हक है वो वोट डाल सके, फर्जी वोट ना डाले, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले। इसका दोहरा लाभ होगा, एक तो गलत वोट नहीं पड़ पाएगा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। इसे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ मारते हैं वहां जीतेगी और अच्छी खासी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। देखिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जब मोदी जी ने कहा तो उसे मुसलमानों ने उस नारे को बढ़ाया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। मोदी भाईजान का शुक्रिया इसलिए कि मुस्लिम मेरी माँ बहनों को तीन तलाक से आजादी दिलाई, उनके लिए कानून बनाया, उनके लिए उज्ज्वला योजना लेकर के उनके लिए घर बना करके दिया, उनके लिए दंगा मुक्त प्रदेश दिया, उनके लिए शौचालय दिया, तमाम वो सुविधाएं जो मेरी बहनों के लिए कोई नहीं सोचता था वो मोदी जी लेकर आए हैं। मुझे इन अपनी बहनों के साथ मिलकर के ताकत आती है और इनके साथ मिलकर के हम अपने बूथों पर काम करेंगे, बूथ बनाएंगे और जो फर्जी मतदान होगा उसको रोकेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों द्वारा आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह आयकर विभाग ने भाजपा सरकार के इशारे पर 1800 करोड़ से भी अधिक का आयकर बकाया का नोटिस कांग्रेस को दिया है, वह राजनीति से प्रेरित है। मैं चौधरी मुजफ्फर अली, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सहारनपुर। आप ज्ञापन देना है किस चीज को लेकर, कहां ज्ञापन देना है? आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी द्वारा ये ज्ञापन देने आए हैं,
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करने का काम किया जा रहा है, लोकसभा का चुनाव है, चुनाव से पहले खाते सीज किए गए और अब यहां तक पहुंचा है कि 1750 करोड़ का एक नोटिस आयकर विभाग द्वारा भी भेज दिया गया है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा की बौखलाहट है। वो नहीं चाहते कि दूसरा विपक्षी दल चुनाव लड़े। जो एक एक रुपया चंदा लेकर कांग्रेस पार्टी एक एक रुपया कार्यकर्ता चंदा देता है और उस चंदे से पार्टी चलती है, वो चंदे का रुपया जो इकट्ठा है उसको भी पार्टी के काम ना आ सके उन खातों को सीज करने का काम किया जा रहा है। बौखलाहट सामने है। अगर वो लोग जनता के बीच में होते और जनता उनको स्वीकार करती तो शायद ऐसा वो ना करते। अरे प्रभारी जी का ले ले। गुरुद्वारा रोड स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, महानगर कांग्रेस कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं एवं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान इमरान मसूद ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। इमरान मसूद ने इस दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट दिखाई दे रही है। नेताजी, किन मुद्दों को लेकर गठबंधन जो है वो सहारनपुर के लोग भी जा रहे हैं? सहारनपुर करके देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है और हम लोग मेरा मान मेरा संविधान के नारे के साथ इस राज्य को लड़ने का काम कर रहे हैं। आपका और राघव लगन पार का तीसरा मुकाबला है। 14 में आपका मुकाबला हुआ, 4 लाख से अधिक वोट मिले। 19 में बसपा 20 में आ गई, अब 2024 है, कैसे देखते हैं मुकाबला? कैसे 6.5 लाख के पार जाएंगे इंशाल्लाह। 27 मार्च को डिप्टी सीएम सहारनपुर आते हैं, 28 मार्च को सीएम आते हैं, 2 अप्रैल को अमित शाह की प्रस्तावित रैली है, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट क्या है जो इतने बड़े बड़े शीर्ष नेता सहारनपुर से चुनाव शुरू करते हैं? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हार रही है, पूरे देश में हार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है कि इस प्रकार से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश के अंदर करने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद को पहले से ही सहारनपुर के लोगों का प्रेम मिलता है, 2024 में कैसा देखने को मिल रहा है? अपार प्रेम। 1989 के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें हर जाति हर धर्म का वोट इंडिया गठबंधन को मिलने का काम होगा। संविधान को लड़ने वाली पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, संविधान की बात करने वाली? देखिए, वो मुद्दे से भटक गई है, वो अपने मुद्दे से भटक गई है। जब देश का संविधान खतरे में हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहन जी ने भी बयान दिया कि संविधान खतरे में, और संविधान खतरे में, और जो संविधान को बदलना चाहते हैं आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करने का काम कर रहे हो। सबने कोशिश की कि आप इंडिया गठबंधन में आओ, आपकी हट है, आपकी जिद है कि मैं अकेला लड़ूंगी। अकेला इसलिए लड़ूंगी कि आपके अकेला लड़ने से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो जाए। 2023 में नगर विधायक ने मंच से खुले तौर पर कहा था कि हमने वो हत्या कराई है, उन्हें ऊपर पहुंचाया है। 2024 में मुख्तार साहब अभी बहुत हुई होगी, कैसे देखना, कब तक राजनीति चलेगी इन लोगों? अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, और क्या कह सकता हूँ मैं, राजनीति कब तक चलेगी इस राजनीति? देखिए, मौत के ऊपर राजनीति करना ये उनका काम है, हमारा काम नहीं। देश में पहली बार मुख्यमंत्री को देश भेज दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र तबाह हो रहा है, यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र तबाह हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। दानिश कॉलोनी में मामूली कहासुनी में एक युवक की चाकू मारकर की गई हत्या पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड स्थित दानिश कॉलोनी में शुक्रवार रात्रि अदनान की 5 युवकों व बाल अपचारियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पतंग के मांझे को लेकर हुई मामूली कहासुनी में अदनान की हत्या की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी एवं थाना देहात कोतवाली पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आमिर, आपके बीजेपी हत्या कैसे हुई है, क्या पूरा मामला? ये सर, इसमें कल दोपहर 3 बजे कुछ किसी रास्ते से काम से जा रहे थे, कुछ आपस में 5 लोगों में खास सुनी हुई, एक इसका दोस्त था इसके साथ मांझे के ऊपर, ये रास्ते में जा रहे थे बाइक से, इन्हें दानिश कॉलोनी जिम वाली गली पड़ती है वहां पर, तो ये उस रास्ते से निकल रहे थे, कुछ इनमें आपस में खास सुनी हुई, तो वहाँ के कुछ लोगों ने, मौजूदा लोग जो बड़े हैं छोटे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा दिया,
रात के समय करीब रोजा खोलने के बाद ये अयान अपने घर था। रोजा खोलने के बाद अदनान ये घर से जो निकला इसके दो सरिये दोनों जूस पीने के लिए जा रहे थे। ये जिम वाली गली से गुजर रहे थे। उस समय जिम वाली गली से 7:45 तकरीबन ये वारदात लेके मौके पे चाकू एक लोहे की रोड 3 बंदों ने से पकड़ा और एक ने चाकू पेट में ऐसे करके घुमा दिया। अब इसके जो चाकू घुमा ये लोहू लुहान वहां पे पड़ा। हम अपने नमाज मुझ पढ़ने गए थे। उसके बाद वहां घटना स्थल जो हुई मौके पे लेके जो लोग भागे बड़े हॉस्पिटल की तरफ हमें जो जानकारी मिली गंभीर रूप से हमने देखा खून में लथपथ। ये उस समय वहां पहुंचे बड़े हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमें वहां से रेफर कर दिया गया। रेफर करके हमें जो हम रेफर लेके चले रास्ते में जाते जाते इसकी मृत्यु हो गई। ये घटना हुई। नहीं वो वहीं के रहने वाले दोस्तों के साथ एक ही था ये बताया जा रहा है। नहीं, उसके चोट लगी हुई है। उसने बचाने की दोनों साथ थे ना तो 5 लोगों ने जब पकड़ा अब उसने जो बचाने की कोशिश की तो उसके सिर में रोड मारी और इसे चाकू से घूप दिया मौके पे। हाँ मैं दानिश कॉलोनी के। उसमें से दो भाई एक है, दो सगे भाई है, 3 सगे भाई एक है, दो परिवार से है। ये कहा ये उनकी रंजिश थी, रंजिश से उन्होंने मारा, साजिश के तहत ये मृत्यु की है उसकी। तो अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। अभी हम यहाँ पे पोस्टमार्टम आए, मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम अपनी कार्यवाही चाहते है जो होती है। आरोपियों को कड़ से कड़ सजा मिलनी चाहिए। मरने वाले की 18 साल उम्र थी। जी क्या मामला है? जी कल शाम को दानिश कॉलोनी जो कि कोतवाली देहात क्षेत्र में पड़ती है वहां पर एक झगड़ा हुआ था जिसमें से एक युवक जिसका नाम अदनान है उसको काफी गंभीर रूप से उसको चाकू से वार किया गया था उस पर और जब उसको अस्पताल लाया गया तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था जिला अस्पताल में। सूचना प्राप्त करते ही कोतवाली देहात पुलिस और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड में भी वहाँ पे पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। जो मृतक युवक है उसी का जो एक साथी था जो उसके साथ घायल हुआ था उसके बयान लिए गए। तो जब पता चला कि इनकी जो मृतक है उनकी दूसरे युवकों के साथ दोपहर में पतंग को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी जो उस टाइम पे रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन शाम को जब अदनान और उसका जब साथी घूम रहे थे तो ये इन्हीं 5 युवकों ने जिसमें कुछ बाल अपचारी भी हैं उन्होंने इन पर हमला कर दिया चाकू से और जिसकी वजह से पूरी घटना घटित हुई है। इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें टीम्स बना दी गई हैं और जितने भी बातचीत अभियुक्तगढ़ हैं और उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास चल रहे हैं और बहुत जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। ये पहले से जो है चल रहा था ये अचानक से? जी नहीं, ये पहले से का कोई विवाद नहीं, कल अचानक में ही इनकी कहासुनी हुई थी और कहासुनी होने के बाद ही जो अभियुक्तगण है उनके द्वारा घटना घटित की गई। जनता रोड स्थित वेयर हाउस का जनरल प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण लिया गया व्यवस्थाओं का जायजा। आपको बता दें जनरल प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी व ADM ई के साथ आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जनता रोड स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना देवबंद पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को ग्राम फलोदा से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना देवबंद पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त दीपक को ग्राम फलोदा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राहुल देशवाल, कांस्टेबल पंकज सैनी मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त को गागलहेड़ी तिराहे से किया गिरफ्तार। आपको बता दें जनपद में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले वांछित अभियुक्त कुलदीप उर्फ छोटा को गागलहेड़ी तिराहे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अनित यादव, कांस्टेबल टुकेश मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार।
आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित तीन अभियुक्त गणों वासु राणा, सन्नी एवं राजू उर्फ राजीव को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक देवेंद्र अधाना, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने दो चाकू एवं अवैध शराब सहित तीन अभियुक्तों को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें जनपद में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने नाजायज चाकू सहित अभियुक्त जाहिद, 22 बोतल देसी शराब सहित अभियुक्त नौबहार, नाजायज चाकू सहित अभियुक्त रिम्पी उर्फ अजय को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रविंद्र धामा, उपनिरीक्षक जॉनसन कुमार मौजूद रहे। देवबंद न्यायालय ने 12 पासपोर्ट अधिनियम में दोषी अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास, 50,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 19 मई 2018 को देवेंद्र सिंह द्वारा अभियुक्त गण जुनैद खां, असलम अली के पास से फर्जी पासपोर्ट बरामद होने की सूचना पर संबंधित धाराओं में थाना देवबंद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय देवबंद में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते देवबंद न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त जुनैद खां को 7 वर्ष के कारावास, 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।